अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। बेटी की तस्वीर देखने का मन तो बहुत करता होगा तुम्हारा, ले आऊं? का है वो बताओ, बताएगी नहीं तो कैसे समझ में आएगा? तुमसे बात कर रहे हैं बेटा, बताओगी नहीं क्या हुआ है? राधा जी से कब बात हुई आपकी? बताया तो था बेटा मैंने तुम्हें। पापा आपने मुझसे कब कहा राधा जी के बारे में? तुमसे बात नहीं की तो फिर किससे बात की मैंने बेटा? मुझसे। मुझसे बातें की हैं आपने फोन पर मम्मा समझकर। आपने वो सब कुछ बता दिया जो आप मुझसे छिपाना चाहते थे। आप सब लोग चुप क्यों हैं? बोलते क्यों नहीं? अस्ताव वो बात नहीं है, वो जो तूने जो भी सुना था ना वो गलत था। गलत? आप ही ने कहा था ना नानू, कहा था ना कि राधा जी ने कहा है कि मैं आशा को सब कुछ बता दूंगी कि मम्मा मम्मा मेरी मम्मा नहीं है। वो राधा जी को तो तुम जानती हो ना बेटा, उस वक्त भी हम सभी ने तुझे समझाया था कि वो राधा जी क्यों बार बार कहती हैं कि आस्था मेरी है, आस्था मेरी है। याद है तुझे एक बार तो तेरे कॉलेज भी तेरे को मिलने आई थी, याद है ना तेरे को? दादी मां ने मुझसे कहा होता ना नानू तो मैं मान भी लेती, लेकिन आपने मुझसे कहा था, आपने मुझे मम्मा समझकर। आप ही बताइए आप मम्मा से ऐसी बातें क्यों करेंगे, बताइए मुझे, बोलिए बोलिए, कोई मुझे बताएगा कि सच क्या है? मैं बताती हूँ भाई। नहीं बाप, अभी जुमाने से कोई फायदा नहीं, मैं बताती। बच्चा पहले बच्चा मेरे पास यहाँ के बैठो। मामा आई वॉन्ट टू नो द ट्रुथ। मामा भी कह रही हो और सच भी जानना चाहती हूँ बेटा। हाँ, क्योंकि मैंने आपको मम्मा कहने के अलावा और कुछ सीखा ही नहीं है। प्लीज बताइए सच्चाई क्या है? बेटा जो जो पापा ने फोन पर कहा वो सच है। मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूं बेटा। दादाजी के घर से आपने बच्चा जो फोटोग्राफ ढूंढी थी जिसमें आपके पापा उस औरत के साथ खड़े थे इन द वेडिंग ड्रेस, वही औरत ने यहाँ है आपकी मामा राधा जी की बेटी। तो मामा तो आस्तु बताइए नॉट प्लीज शगुनंद तू जा।
आस्था को पता चल गया। हे भगवान, क्या हुआ? आप दोनों यहाँ आ सकते हैं? हम अभी पहुंचते हैं माथुर साहब। जी 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 श्री बच्चे, मैं समझ सकती हूँ कि आप क्या महसूस कर रहे हो। मैंने यूं ही कह दिया था बेटा, मैंने यूं ही कह दिया था कि क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं जानती हूँ फर्क पड़ता है। आज तो और मैं ये भी जानती हूँ कि आपके दिल में बहुत सवाल है, जिनका जवाब मैं देना चाहती हूँ। बच्चे, नेहा तुम्हारी मामा, उनसे पहले अभी ने मुझसे शादी की थी, लेकिन बेटा हम दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसलिए हम अलग हो गए। और उसके बाद आपके पापा ने नेहा से शादी की, बेटा आपको जन्म देते समय नेहा बच्चे she died after delivering you, लेकिन जाने से पहले आज तो उन्होंने ही मुझसे कहा कि मैं आपको पालूं। पापा, आपके पापा के बारे में आज तक आपने जो सुना है बच्चा, आई स्वेयर वो सब सच है। वो अचानक हम सबको छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए। वी रियली डोंट नो वेयर ही इज बेटा, वी रियली डोंट नो। मैं कैसे मान लूं, कैसे मान लूं मैं कि आप झूठ नहीं बोल रही हैं? और पता नहीं क्या क्या छिपा के रखा है आपने मुझसे। प्लीज बताइए मेरे पापा कहाँ है। कहा ना बच्चा, मैं नहीं जानती तेरे पापा कहाँ है। देख दादा दादी भी आए, उनसे पूछ ले बच्चा, प्लीज मैं सच कह रही हूँ। आस्था बेटा, जो सिमरन कह रही है ना वो बिल्कुल सच है। झूठ बोल रहे हैं आप मुझसे, आप दोनों भी झूठ बोल रहे हैं।
बता दूं, आपने कहा था ना मुझसे फोन पर कि मेरे पापा की प्ले की फोटोग्राफ है, तो आपने क्यों नहीं बताया ये मेरी माँ है? यही सोचकर बेटा कि तुम्हें कितना दुख होगा। सबने झूठ बोला मुझसे। नहीं बात करनी मुझे किसी से, बात मत कीजिए मुझसे कोई भी। दिल छोटा मत करो बेटे, इस वक्त आस्था हम सबसे नाराज है। मगर सिमरन बेटा, तुमसे नाराज नहीं होगी वो, थोड़ा टाइम दो उसे, सब ठीक हो जाएगा। He's right, सिमरन। और देखो, सबसे ज्यादा नाराजगी उसे तुमसे तो होगी ही, सारे रिश्ते तुम्ही से जुड़े हुए हैं, और जब उसे पता चला कि वही रिश्ता सच नहीं तो बेटा प्लीज अंदर मत जाओ। सिमरन, लेट हिम टॉक टू हर। एवरीवन हैज चीटेड मी सिद्धांत, तुम्हें पता है मामा मेरी मम्मा नहीं है, सबने मुझसे झूठ बोला सिद्धांत, सबने मुझसे झूठ बोला। ऐसा क्यों किया सिद्धांत मेरे साथ? आस्था, तुम्हें किसी ने धोखा नहीं दिया, और फिर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? माना कि तुम सिमरन आंटी की बेटी नहीं हो, लेकिन इससे पहले कभी भी तुमने ऐसा फील किया? सिमरन आंटी ने भी कभी ऐसा नहीं सोचा कि तुम उनकी नहीं किसी और की बेटी हो। और फिर आस्था, जब भी मेरी सिमरन आंटी से बात हुई, वो हमेशा यही कहती रही कि आस्था ही मेरी बच्ची है। तो तुम भी जानते थे आस्था? वो तो इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम इन सबके साथ मिले हुए सिद्धांत, तुमने आस्था, मेरी बात सिर्फ मुझे ही नहीं मालूम, बाकी सबको पता है, सिर्फ मैं ही नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। बेटा ये सब जो है वो, आप तो सबके सामने बहुत अच्छी बन गई ना, लेकिन मुझे तो बेचारी बना दिया ना आपने। सिद्धांत जो 4 साल पहले आया है वो जानता है, उर्मिला आंटी वो तो अभी आई है ना, वो भी जानती है, और आपका पूरा स्टाफ भी जानता होगा ना, आई एम श्योर। और वो मॉर्निंग वॉक वाले अंकल, शेखर अंकल, वो भी जानते होंगे। अरे मैं ये क्या कह रही हूँ, जब घर में काम करने वाली एक भाई तक जानती है कि बस। ये भाई नहीं आई है तुम्हारी, सब जानते हैं कि रट लगाए बैठी हो ना तुम, ये सब सिर्फ इसलिए जानते हैं क्योंकि ये सब वही लोग हैं जो तुम्हारे एक आंसू गिराने पर रात रात भर जागे तुम्हारे लिए। एक सच क्या जान लिया आज तुमने, तो 18 साल का ये सच और इन सब का प्यार एक पल में भूल गई हो तुम। ये सच जाने के बाद हम सब शायद तुम्हारे लिए वो ना रहे, लेकिन हम सब के लिए आज भी तुम वही हो जो थी। इसलिए आज भी अगर तुम कोई हद पार करोगी तो तुम्हें डांटने का हक है मुझे। जस्ट गेट बैक टू योर रूम, चुप करके अपने कमरे में चली जाओ। ना ना ना, ना बेटा ये ठीक नहीं है, बच्ची को इस तरह मारना, और वो परेशान है बेटा, इतना इतना बड़ा सच उसे पता चला है अभी। नहीं नहीं सिमरन बेटा, ऐसे मसले गुस्से से हल नहीं किए जाते। जानती हूँ मैं पापा जी, मैं भी जानती हूँ, लेकिन मैं आज तक भी जानती हूँ मैं नहीं पाला है उसे, लेकिन प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मुझे उसे संभालने दीजिए, इतना भरोसा तो करते हैं ना मुझ पर। कैसी बातें कर रही हो बेटा, तुम पर भरोसा नहीं करेंगे हम? हाँ हा?
आस्था ये क्या कर रही हो तुम? आस्था व्हाट आर यू डूइंग? मुझे नहीं रहना यहाँ. व्हाट? व्हाट डू यू मीन मुझे नहीं रहना यहाँ? कहीं नहीं जाओगी तो चुप करके सो जाओ अभी. क्यों नहीं जाओ? ये मेरा घर नहीं है, मुझे नहीं रहना यहाँ. शगुना प्लीज आस्था की बातों का बुरा नहीं मानना. और एक और बात, आज रात को यहीं हॉल में दरवाजे के पास सो जाएगी. इस लड़की का कोई भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकती है.